बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे भैन भाई ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, असं भी बिल्कुल ठीक हाँ। सालन मेरी बाजी ने तैयार किया, भाभी मीरा ने। तो मेहमान आए साढ़े घर, बहुत जरूरी खास मेहमान आए भी पहली मतलब मेरे घर। तकरीबन 12 साल बाद, 12 साल बाद ही मेरे घर पहली मतलब आई है। 14 साल हो गए मेरी शादी में, 14वां साल जा रहा हुआ मतलब। 12 साल हो गए उन्हें मुल्तान आए नू। 12 साल बाद मुल्तान आए? हाँ जी, वो रहते सी कुमालिए, ते कुमालिए चो उधर चले जाते सी फतेहपुर सीधा ही। अज पहली दफा आए इधर नू, ते दसदे पए सी कहिंदे मैनू 12 साल हो गए, 12 साल बाद अज पहली दफा मुल्तान आए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 12 साल बाद। हाँ जी, मैं जी खाना लगा रही हूँ ना वास्ते, जहाँ दे पापा रोटी लाए सी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा वा, बहुत शदीद गर्मी सी थी। कहते तुम रोटी ना बनाओ, तो मैं उतो लिया आवागा रोटी ना, तो मैं चलो ठीक हो गया मेरे वास्ते। तो गुफार वास्ते लैके आए जहाँ पापा दाल, तो उन्होंने वास्ते बनाया जी बड़ा गोश्त, तो मैं बड़ा गोश्त खाना नहीं गा ना, गुफार ने खाना वा, तो साढ़े वास्ते फिर दाल लैके आए हैं, तो असं जी दाल ना रोटी खावे। कहते ना जो नसीबा च लिखा हो मिलता वा, जो जिस हाल चला सोना रखे रहना पैंता वा। मेरी भाभी मीरा भी आई है, मेरा बड़ा भाई भी आया हुआ, तो मेहमान बैठ बैठ गप्पा ला रहे हैं। हाँ जी, अरे मैं महसूस ना कर पिछ आवाज आ रही है। हाँ जी, फिर मेहमान ज्यादा हो बैठने इस वजह, तो फिर थोड़ी आवाज आ रही है वहां पे। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये सारा मतलब सालों रेडी हो चुका वा, सलाद था ते दही वगैरह थे, सॉरी इनमें से ऐड करके एक कोसी बाद खाना खाओगे। रोटी भी मैं हर बार से रख ली है, तो जी डब्बे डोंगे पे सालन खाओगे। ये जी सालन, सालन बगैर वजन नहीं रहता। आलू ते बटा गोश्त। हाँ जी, आलू तो बड़ा गोश्त बनाया। बाजरे वैसे मैं क्या तुसी बनाओ, पता नहीं की गल, मैं गोश्त वैसे मेरा बड़ा गोश्त छुड़वाया ना, तो मेरा पकाने भी दिल नहीं करता। नाले बाजी ने वैसे भी अपना ब्लॉग बनाना सी, तो मैं क्या चल तुसी नाले वैसे भी हुन बाजी ने हाथ दा बनाया है ना, खुशबू भी आ रही है। ਤਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਸ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਰਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲੂ ਤੇ ਗੋਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, खाना लग गया, बाजी भी आ गई है, भाई भी आ गया, चाचू भी आ गया जी। गवान ही बुला लो बैगा जी। खा के दसो कैमे दा सालन है। आज के खाओ एक ही करा दिया तुसी ता। ये तो फिर ज्यादती है, अल्लाह खैर करेगा। ਜੁਲਕਨਿਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਿਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਿਆ। ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਂਹ ਮਿੱਠੀ ਬਣਨਾ। ਸਹੀ 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 ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ।
खाना सिखा लिया। बेगम साहब ने बर्तन चकने शुरू करते, चाय भी बनानी शुरू करती है। किचन भी चाय पकदी पई है। पक लवे फिर पा के दिन मेहमान बर्तन धो रही है जी। जी मैं बर्तन वाश कर लवा फिर चाचा नाल नाल वाश कर लवा नाल चाय बना फिर मैं चाचा नाल बैठांगी तो गल्लां बातां करांगे। बुजुर्ग बंदे पहले आए आ मेरे घर तो फिर मैं उन्होंने जारी करना चाचा नाल प्यार भी इन्ना ज्यादा वा साडी धी मतलब चाचा नाल जितनी तैबा ते उन्हां कोल बैठना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तैबा ते तैबा बेटी दे सुसर जी हां जी तैबा दे सुसर आए ने फाइनल हो गई। बेगम साहब ने काफी धोते चाय नाल नाल मैं भी हेल्प करा रही क्योंकि बेगम साहब मेरे साथ बर्तन धो रहे हैं इस वास्ते मैं भी नाल नाल इन्होंने हेल्प करा रही हूँ। मैं क्या चल याद करेंगे चाय जी तैयार हो गई साड़ी चीनी पाई ना मिठाई मिक्स कर ले चाचू आए सी नाल थोड़ी तकल्लफ करके आए जी मिठाई ला के आए जी हम फिर अस मिठाई खोल देने जी देखने मिठाई है जी इस तरह का डब्बा बैग स्पेस माशाल्लाह डब्बा असि खोल दिता माशाल्लाह जबरदस्त जी लखाने नसीब करे जी एवं चाचा तैयार हो गई सी हुण कपां चाय मैं पा लई है हुण मिठाई पाने जी प्लेट चाय भी देती मेहमाना नू खाना भी खवाता सी नाल चाचू मिठाई ला के आया मिठाई भी असी मेहमाना नू पेश करते साड़ी जेड़ी खिदमत सी हम देखो सारी खिदमत मेहमान उन्होंने कैमें लगती है साड़ी खिदमत की उन्होंने पसंद आती है या नहीं आती और भाई कितना लगी मिठाई जुल्कनैन आज बुखार होया पे इस वास्ते जरा तंग करता फिरदा चाय बना के दी है मैं चाय पापा ने बनाई मैं बर्तन वाश कर लेने मेहमान चाय पीने चाचा ने बैठ के गपशप लगाने
चाहवे जी अपने भैन भैया इजाजत मिलेंगे नैक्सट वीडियो अच्छा जहाँ ब्लॉग लैके अपने भैन भैया की किस्मत फिर हाजिर होवे सानू इजाजत सुनने वाले अल्लाह हाफिज़।